हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के न्यूज़पेपर पे बहुत ही बड़ी गुड न्यूज लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। जैसा कि आज के न्यूज़पेपर में दिया हुआ था कि हम लोग का सिलेबस है जो 4 दिन के अंदर क्या है उसका पैटर्न जारी कर दिया जाएगा बीपीएससी के द्वारा। तो आज जो न्यूज़पेपर में खबर आई है मैं उसी पर डिस्कस करने वाली हूँ। क्या था, आज तक न्यूज़पेपर में यही आ रहा था कि 125 के लिए डीएलएड वाले एलिजिबल है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के पेपर में ये भी बोला गया है कि डीएलएड के साथ बीएड वाले भी 125 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग यही सब मुद्दे पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि बीपीएससी से 1.78 लाख शिक्षकों की भर्ती है, जहां पर क्या है हम लोग का बिहार में 38 जिला है, उसमें से 36 जिलों ने रोस्टर क्लियरेंस करके क्या किया गया है विभाग को भेज दिया गया है, 2 जिला को छोड़ करके। वहीं सिलेबस के बारे में बोला गया है कि हम लोग का सिलेबस है जो 4 दिनों में फाइनल हो जाएगा, लेकिन न्यूज़पेपर में उसके साथ साथ ये भी दिया हुआ था कि 125 में क्या है हम लोग का बार बार यही बोला जा रहा है कि हम लोग का क्वेश्चन है जो जीके और जीएफए पूछा जाएगा। और वहीं पर 6 to 8 में क्या बोला जा रहा है कि जीके जीएफ तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ सब्जेक्ट पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इससे आप लोग भी ये समझ सकते हैं कि हम लोग के लिए जीके एंड जीएफ कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार हम लोग को क्या है दैनिक भास्कर से यही न्यूज़ मिल रहा है कि हम लोग का जो क्वेश्चन 125 में आएगा वो क्या है जीके और जीएफ से पूछा जाएगा। मे भी हो सकता है कि वहाँ पर क्या हो सीडीपी को भी क्वेश्चन डाले, लेकिन वो तो पूरा क्लियर होगा अगर सिलेबस हम लोग का आ जाता है। तो आज 10 तारीख है तो मे भी 14 तारीख तक हम लोग का सिलेबस आ जाए। और उसके साथ साथ में क्या हुआ, बहुत सारे लोग क्या है केस करने के बारे में बोल रहे हैं। तो शिक्षा मंत्री जी का साफ साफ कहना है कि अब जो नया नियमावली बन के आया है उसमें कोई चेंजेज नहीं होगा, क्योंकि ये नया नियमावली का जो प्रोसेस है बहुत आगे बढ़ चुका है। तो इसमें अगर आप लोग धरना दे रहे हैं या इसके अगेंस्ट जाके हाईकोर्ट कर रहे हैं फिर भी क्या होगा नियमावली चेंज नहीं होगा। तो उसी में शिक्षा मंत्री जी ने बोला है कि शिक्षक नियुक्ति का नियमावली का विरोध अनुचित। उन्होंने बोला है कि क्या कि जो नया नियमावली बना है उसका क्या है विरोध है जो अनुचित है। क्यों अनुचित है, क्योंकि उन्होंने ये भी बोला है कि बिहार को क्या बोला गया है ज्ञान की भूमि बोला जा रहा है, तो हम लोग इसको क्या है बढ़ावा देने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो अच्छे टीचर है क्वालिटी टीचर है उसको हम लोग एग्जाम के थ्रू बहाल करेंगे। तो एक तरह से बोलिए तो इनका भी मानना ठीक है कि एग्जाम लेके टीचर का बहाली करेंगे बीपीएससी के थ्रू, लेकिन हाँ इन्होंने एक गलती यही किया है कि एग्जाम लेना था तो इनको पहले से बता देना चाहिए था और हम लोग को सिलेबस भी दे देना चाहिए था, क्योंकि हम लोग 4 साल से बैठे हुए हैं कि हम लोग सीटेट और बीटेट क्वालिफाई हैं। तो हम लोग का क्या है आगे हम लोग का बहाली आएगा उसमें हम लोग बहाल हो जाएंगे। एक गलती बस इनका यही है, एग्जाम लेना उनका गलत नहीं है, लेकिन हाँ उनको सिलेबस पहले से दे देना चाहिए था, बताना भी पहले चाहिए था कि हम लोग एग्जाम लेकर आप लोग को बहाल करेंगे। अब खैर देखिए, अब जो है नियमावली जो आया है हम लोग को भी उसके साथ ही चलना होगा, क्योंकि अगर हम लोग विरोध करेंगे तो उन्होंने साफ साफ ये भी बोला है कि नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली नहीं बदलेगी, विरोध करने वाले रोजगार विरोधी। ये भी बोले हैं कि अगर आप लोग नई शिक्षक नियमावली को बदलाव करना चाहते हैं तो वो तो बदलेगा नहीं, लेकिन आप लोग अगर उसका विरोध कर रहे हैं तो आप लोग रोजगार के विरोधी हैं। उन्होंने बोला है कि हम आपको क्या है रोजगार देना चाह रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या है कि उसका विरोध कर रहे हैं। और ये भी बोले हैं कि जो अगर इस नया नियमावली के समर्थन में है वो इसको क्या जाके करे समर्थन दे, ना कि विरोध करे। तो इनका देखिए इनडायरेक्ट वे में ये भी बोल रहे हैं कि अगर ये लोग ज़्यादा क्या करेंगे कोर्ट हाई कोर्ट करें या कुछ भी करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा बहाली में वो लोग खुद अड़चन डालेंगे। तो देखिए मेरा तो कहना यही है कि अगर आप लोग एक तो गवर्नमेंट वैकेंसी दे नहीं रही है, 4 साल बाद यहाँ पर क्या है वो भी इलेक्शन के कारण यहाँ पर वैकेंसी आ रही है, तो जो वैकेंसी आया है तो आप लोग पढ़ के एग्जाम दे दीजिए, क्योंकि क्या है अगर आप लोग हाईकोर्ट करते हैं तो ये बहाली फिर लंबा खींचेगा, 4 साल के लिए फिर रुक जाएगा। तो एक तो आप लोग विरोध करेंगे तो ना आप लोग खुद जॉब लेंगे और ना ही दूसरों लोग को लेने देंगे। तो अगर ये एग्जाम ले रही है तो आप लोग एग्जाम दे दो, के देखिए केस के चक्कर में पढ़ने से कुछ नहीं है,
उससे अच्छा है कि अगर इलेक्शन आता है आप उस टाइम सरकार को जवाब दीजिए, क्योंकि हाईकोर्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है, और जैसा कि शिक्षा मंत्री ने साफ साफ ये बात बोल दिया है। वहीं पर 125 में क्या था कि हम लोग को बोला जा रहा था कि बीएड वालों को मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, तो उनके लिए देखिए आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोग देखिए कि आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बीएड और डीएलएड और फीटेड और बीटेड जो क्वालिफाई है 125 में क्या है एलिजिबल है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो एक तरह से बोलिए ये आज के पेपर के लिए गुड न्यूज़ है कि आप क्या है 125 के लिए भी एलिजिबल हैं। वहीं क्या है हाई स्कूल के लिए उन्होंने बोला है बीएड या एमएड होना चाहिए प्लस एफटेट क्वालिफाई होना चाहिए। अब 6 to 8 का रिक्ति का बात रहा, तो यहाँ पर क्या किया गया है कि 6 to 8 में 0 वैकेंसी दिया गया है। तो इस पर यह भी सुनने में आ रहा है कि इस पर क्या है वैकेंसी का फिर से गणना हो रहा है कि जो 45,000 वैकेंसी था वो आखिर कहाँ गया, तो इसके गणना पर फिर से बात हो रहा है। तो मे भी अगर यहाँ भी वैकेंसी आ जाता है तो बीएड वाले और क्या है 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो देखिए काम है जो क्या है, और हाँ अतुल मिश्रा जो क्या है बीपीएससी के अधिकारी हैं उन्होंने भी आज ट्वीट करके बोला है कि जो उनका बीपीएससी जो शिक्षक बहाली है उनके लिए क्या है उनका प्रक्रिया स्टार्ट हो गया है, और बहुत ही जल्द है जो इसका वो लोग सिलेबस पैटर्न जारी कर देंगे और बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन भी ला देंगे। तो आप लोग ट्वीट के माध्यम ट्विटर पर भी जाके ये देख सकते हैं। तो अब देखिए आप लोग को पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है वो लोग उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि वो एग्जाम ले गई हैं, आप लोग चाहे कुछ भी कर ले। लेकिन हाँ एक और बात क्लियर अभी तक नहीं हो पाया है कि जो नियोजित शिक्षक है नियोजित शिक्षक और जो इस बार फ्रेश टीचर है उनका बहाल एग्जाम है जो इसका क्या कर रहा है सभी लोग डिमांड कर रहे हैं कि दोनों का क्या हो सिलेबस अलग हो और दोनों का क्या है नोटिफिकेशन अलग लाया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो नियोजित शिक्षक है उनका भी क्या हो बहाल हम ही लोग के पोस्ट पे हों। तो उनको तो देखिए हटाया जाएगा नहीं, क्योंकि साफ साफ बोला गया है कि अगर वो लोग फेल भी हो जाते हैं तो उनको हटाया नहीं जाएगा। तो ये बात एक क्लियर करने का सबका मांग है, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो देखिए काम बहुत ये लोग क्या है शिक्षक नियोजन के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, तो हो सकता है एग्जाम ये लोग अपने टाइम पर ले लें। तो आप लोग अपना काम करते रहिए और अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, 4 दिन में सिलेबस आ जाएगा, लास्ट में हम लोग का क्या है नोटिफिकेशन आ जाएगा कि कब फॉर्म फिल होगा कब हम लोग का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आज के वीडियो पे बस मुझे यही आपको बताना था, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।